हाय फ्रेंड्स, नल्ला इरकिंगला, कैसे हैं आप लोग? मजा आ रहा है ना तमिल सीखने में? मुझे पता है, आप लोग का कमेंट्स में पढ़ती रहती हूँ, बहुत मजा आ रहा है, मुझे भी मजा आ रहा है। आज भी हम लोग इस क्लास में अन्ना के साथ बहुत सारी बातें करेंगे। क्या बातें करेंगे बताओ? क्या, कब, कहाँ, कैसे, कौन, बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में जो घूमते रहते हैं ना, आज हम लोग अन्ना के साथ सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। किससे कैसे बातें करनी है, किससे क्या पूछना है, क्या क्या दिमाग में चल रहा है, सब बातें करेंगे। ठीक है, बुलाओ अन्ना को। अन्ना वांग, अन्ना वड़कम 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 दीपा जी वड़कम। हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? नल्ला इरुकींगला, नल्ला इरुकींगला? Thank you so much for all your views, for all your comments. Anna, this has become a highly interactive session. Interactive से हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है. Your appreciation, your comments, we are very happy. You keep on giving inputs, we will improve upon this session. Okay? So, today we are sitting here for seeing questions. Questions कहाँ होता है? It is for knowing the wisdom. The man's wisdom will increase only when he asks a question. Hai na? What, when, where? That is when the brain opens and you want to learn so many things. So we will take that subject today. Questions. Where, when, what. Okay? Shall we go ahead, Deepa ji? Is it okay? Bilkul, bilkul Anna. Sabse pehle Anna, questions ko kya bolte hain? Kelvi. Kelvi. केल्वी, आज हम लोग केल्वी के बारे में बातें करेंगे। सबसे पहले कहाँ, वेयर, अन्ना आप बताइए कहाँ का, कहाँ को क्या कहेंगे, और साथ ही बताइए अन्ना कि उसका हम लोग वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे। लीजिए अन्ना बताइए। ओके, थैंक यू। सबसे पहले कहाँ, कहाँ का मतलब हो गया वेयर। इन तमिल इट इज वेरी सिंपल। हाउ डू वी क्वेश्चन ए पर्सन, यू नो दिस इज द एक्शन, वेयर, when, what, in Hindi normally we go like this, कहाँ है, क्या है, in Tamil or in southern languages normally the questioning will be like this, where, कहाँ, in Tamil it is एंगे, बोलिए एंगे, where, एंगे, is it okay, very simple, एंगे, yeah, इंगे, एंगे, so to make you simpler, to make it understand very easily, सबसे वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन दिया जाता है, आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं, कहाँ इज दी टर्म वी आर यूजिंग टूडे। तो आप का मतलब क्या हो गया, नींग है, विद रेस्पेक्ट, आप नींग है, कहाँ, यंग है, रहते हैं, आप नींग है, कहाँ, यंग है, रहते हैं, इरुकींग है, विद रेस्पेक्ट, एल्डरली पर्सन यू से नींग है, यंग है, इरुकींग है, आप कहाँ रहते हैं, नींग एंग इरुकींग, नींग नींग नी नींग एंग एंग, एक्चुअली बट स्पोकन लैंग्वेज में इट्स ओके, एंग इरुकींग इरुकींग, नींग एंग इरुकींग, आप कहाँ रहते हैं, नींग एंग इरुकींग। ओके, keep it with you, relax, enjoy learning the language. Okay, every day we will give you some new inputs, you give a feedback to us, accordingly we will go ahead one by one, one step by step, gradually. Okay, so aap kahan rehte hain, neenga enga irukinga, neenga enga irukinga. Okay, anna ye hum bolna, mera bag kahan hai, bahut baar hum log samaan rakh ke bhul jate hain, मेरा बैग कहाँ है, मेरी घड़ी कहाँ है, मेरा चश्मा कहाँ है, बहुत बार भूल जाता है। आप बताइए, यदि बोलना हो मेरा बैग कहाँ है तो फिर कैसे बोलेंगे, मेरा बैग कहाँ है, मेरा बैग कहाँ है, मेरा एन बैग, बैग तो बैग ही है, हाँ नहीं, मेरा बैग कहाँ है, मेरा ये बैग एंग है, इनोड बैग एंग है, मेरा पेन कहाँ है, मेरा इनोड पेना एंग है, इनोड पेना, पेन पेना, इन पेना एंग है, ये बैग एंग है। अच्छा, तो ओनली हमें कहना है एन बैग एंगा, तो किसी भी चीज को बोल सकता है एन बैग एंगा, एन वॉच एंगा, कुछ भी बैग एंगा, वॉच एंगा, ग्लास एंगा, वॉच, घड़ी, घड़ी को तमिल में बोलते घड़ीगारम, एन घड़ीगारम एंगा, एन शर्ट एंगा, एन शर्ट एंगा, है ना, बहुत बढ़िया, इज इट ओके। मैं तो अब हर चीज में इसको यूज कर सकती हूँ ना, एन ना जो चीज सामान रहा है वहां, उसके बाद फिर एंगा बोलना है, मतलब कहाँ है। चलिए अब अगला बताइए अन्ना,
कौन, बहुत बार पूछो तो कौन आया, कौन है, अब कौन को हम क्या कहते हैं उसके बारे में बताइए। कौन, कौन क्या हो गया, हु इज हु, कौन तमिल में यार, यार कौन, यार कौन, यार यार, इट इज वेरी वेरी सिंपल, यार है ना, यार यार शब्द सबको याद हो जाएगा ना, हिंदी में यार का मतलब दोस्त होता है, तो इसीलिए बिल्कुल अन्ना जो है ना बिल्कुल दोस्ती के साथ सिखा रहे हैं को, कौन कौन मतलब यार, जहां चार यार, याद है ना, यार याद रखिए, यार कौन। तो फर्स्ट एग्जाम में क्या बोल गए, वेरी इजी, वे कौन है, वे कौन है, सो हु इज ही और हु इज शी, ये तमिल में क्या बोलते हैं, वेरी वेरी सिंपल, यार हु इज ही, यार इवर, इवर यार, इवर यार आवर, अन्ना ही के लिए भी इवर बोलेंगे, सी के लिए भी इवर बोलेंगे, यस यस, इट इज कॉमन फॉर ही और शी, यार इवर, इट इज कॉमन। अच्छा, हम लोग को यहाँ पे ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है, यार इवर, यार ये कौन है, यार इवर, वेरी सिंपल, यार इवर, इट कैन बी यूज फॉर ही, इट कैन बी यूज फॉर शी ऑल्सो, ओके, विद रेस्पेक्ट, यार इवर, यार इवर, ओके, नाउ अब बोलना है वहाँ कौन कौन है, बहुत बार हमें लगता है ना कि वहाँ कौन कौन है, उसको कैसे बोलेंगे, वहाँ कौन कौन है, हु आर देयर, हु आर देयर, हाँ यार आवंग है, अंग है, यार अंग है, यार यार இருக்காங்க, இங்க யார் இருக்காங்க, அங்க யார் யார் இருக்காங்க, ஓகே, அங்க யார் யார் இருக்காங்க, कौन कौन वहां, कौन कौन है। अच्छा अच्छा, मतलब आप बता रहे हैं ना कि वहां के लिए जो है अंग बोल रहे हैं और यहां कौन कौन है बोल रहे हैं, तो இங்க फ्रेंड्स, அங்க அங்க இங்க वहां यहां, இவர் அவர் है ना, இவர் அவர், इंगे अंगे, ओके, इंगे आंगे, वहां के लिए है, वहां कौन कौन है, तो अंगे यार यार इरुकांगा, अंगे यार यार इरुकांगा, हु आर दे, हु आर दे, अंगे यार यार इरुकांगा, इंगे यार यार इरुकांगा, ओके, इंगे अंगे, इवर अवर, ओके, इंगे यार यार इरुकांगा, यहां कौन कौन है, अंगे यार यार इरुकांगा, वहां कौन कौन, यस, बहुत बढ़िया है, बहुत ही यूजफुल सेंटेंसेस है हम लोग के लिए। तो चलिए अब अगला बताइए अन्ना, यदि हमें हुज किसका प्रयोग करना है, यदि हमें बोलना है ये पेन किसका है, ये किसकी बेटी है, तो उसको कैसे बोलेंगे, किसका है, हुज इट इज, हुज इट इज, तो वेरी सिंपल, यारोडदु, 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 देखिए यारोडदु, Whose it is, யாரோடது, யாரோடது, இது யாரோடது, இது கிஸ்கா, இது யாரோடது, ஓ கிஸ்கா, அது யாரோடது, இது அது, இங்க அங்க, இவர் அவர், ஓகேனா, यदि बोलना है यह पेन किसका है, हां यह पेन किसका है, यह पेन किसका है, यह இந்த இந்த அந்த இந்த பென், பென் का मतलब हो गया पेना, इन तमिल इट इज पेना, ओके, இந்த பேனா, பேனா யாரோடது, இந்த பேனா யாரோடது, இந்த வாட்ச் யாரோடது, இந்த ரிங், ரிங்கிக்கு மட்டும் போக மோதிரம், இந்த மோதிரம் யாரோடது, ஓகே, இந்த மோதிரம் யாரோடது, तो அண்ணா यहां पे हम लोग यह बोल रहे थे இந்த, और वो आप बोलेंगे तो அந்த, அந்த, இந்த, அந்த, இங்க, அங்க, இவர், அவர், சோ ஓகே, இந்த, அந்த, இந்த பேனா யாரோடது, அந்த கார் யாரோடது, ओके, अन्ना हम लोग के लिए इतना आसान नहीं है, हम लोग को नोट्स बनाना पड़ेगा, फ्रेंड्स मैं तो नोट्स बना ही रही हूँ, आप भी साथ साथ में नोट्स बनाइए, और यहाँ पे जो है ना इन द अंदर जो शब्द है वो सब को अच्छे से लिखिए, और पहले उस पर हम लोग क्लियर हो लेते हैं, तो उसके बाद हम लोग अच्छे से उसको यूज कर पाएंगे। आप लिखिए इन द बाइक यारोड, ये बाइक किसका है, आप लिखिए, ट्राई कीजिए प्लीज, मेक एन अटेम्प्ट, whose bike is this, बिल्कुल करेंगे अन्ना, हम लोग बहुत चाहते हैं सीखना। अन्ना यदि कहना है वह किसकी बेटी है, कोई लड़की सुंदर से जा रही है तो हम पूछना है वह किसकी बेटी है, तो कैसे बोलेंगे, ये whose daughter she is, whose daughter she is, that is also you see, இந்த அந்த, இந்த இந்த லடிக்கி, பெண், இன்ன ஒலி, கண்ணே, அண்ணா, ஓ ஆயிகே, இந்த பெண், this girl is whose daughter, it is எவரோட, எவரோட மகள், இந்த பெண், அந்த, இந்த, இந்த, அந்த,
pen pen with more stress you have to say pen anna tanni acha jaise main anna bolti hu aise hi pen tanni in the pen yaroda in the pen yaroda whose mahal in the pen yaroda mahal aiyo mahal matlab beti hota hai mahal daughter acha mahal daughter beti ha yaro matlab kiska hua okay bahut badhiya anna चलिए अब अगला बताइए अन्ना यदि हमें पूछना है तुम कैसे हो हाउ का प्रयोग कैसे करेंगे हाउ हाउ इज अगेन वेरी वेरी कॉमन एंड एवरीबॉडी विल हैव लॉट ऑफ इंक्यूसिटिवनेस यू विल बी इंटरेस्टेड इन नोइंग हाउ हाउ आर यू सबसे पहले बोले हाउ आर यू ना बिगिनिंग ऑफ द सेशन आई आस्क यू एवरी टाइम हाउ आर यू उसका तमिल इक्विवेलेंट क्या है देखिए हाउ आर यू तुम कैसे हो तुम कैसे हो इन यू ट्रांसलेटेड इन तमिल वेरी इजी देखिए तुम हो गया नी एपड़ी नी एपड़ी हाउ डायरेक्टली हाउ इज एपड़ी 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 नी एपड़ी इरुक नी एपड़ी इरुक हाउ आर यू तुम कैसे हो नी एपड़ी इरुक हां विद रिस्पेक्ट यू से एरुका बोल रहे मैं हां अन्ने का एरुका लिखा है विद रिस्पेक्ट आई विल से नीங்க எப்படி இருக்கீங்க Is it clear? நீ எப்படி இருக்க? நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? புரியுது? அண்ணா आप जो बोल रहे हैं ना तो यहां पे इरुका लिखा है लेकिन आप जो बोल रहे हो तो मुझे सुनाई इरिका दे रहा है तो एक्चुअल में क्या है इरुका है कि इरिका है? हां इन राइटिंग यू विल से इरुका बट व्हाइल यूजिंग स्पोकन लैंग्वेज इट विल बी नॉट मच स्ट्रेस इरुका 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 अच्छा तो बोलते समय हमें बोलना है நீ எப்படி இருக்க? नहीं एपड़ी इरुका नींगे एपड़ी इरुकींगे बड़ों के लिए आवर आवर एपड़ी इरुकार इवर एपड़ी इरुकार आवर एपड़ी इरुकार इवर एपड़ी इरुकार नींगे एपड़ी इरुकींगे नी एपड़ी इरुका ओके इज इट ओके हां बिल्कुल चल वी गो टू द नेक्स्ट थिंग इज इट ओके रिलैक्स कीजिए एंजॉय एंजॉय लर्निंग ए लैंग्वेज अन्ना एक और चीज बताइए बहुत बार होता है ना साड़ी कैसी है ड्रेस कैसा है उसके लिए कैसे बोलेंगे यह साड़ी कैसी है हाँ एक लड़की आ गई आपके सामने में विद फुल ड्रेस्ड अप शी वांट्स टू यू नो हैप्पीली प्रेजेंट हरसेल्फ जैसे मैं पूछना चाहती हूँ अन्ना मेरा ड्रेस कैसा है हाँ, तो कैसे पूछूंगी आप उनको कॉम्प्लीमेंट देना होगा इन द साड़ी है ना ये साड़ी कैसे है इन द इन द अंद इन द साड़ी का तमिल में हो गया सेलई सेलई இந்த சேலை எப்படி ஹவ் எப்படி இருக்கு இந்த சேலை எப்படி இருக்கு இந்த சேலை எப்படி இருக்கு இந்த சேலை எப்படி இருக்கு அந்த பார்க் எப்படி இருக்கு இந்த சேலை எப்படி இருக்கு அந்த பார்க் எப்படி இருக்கு मतलब क्या हो गया कि वहां पार्क कैसा है हां वैसा हुआ ना वहां पार्क कैसा है यस ओके सपोज उसको जवाब देना है तो இந்த சேலை எப்படி இருக்கு हां இந்த சேலை அழகா இருக்கு இந்த சேலை அழகா இருக்கு this saree is beautiful अच्छा उसको क्या बोलेंगे ना இந்த சேலை அழகா இருக்கு அழகா நான் ஒரு மல்லி देती हूं तो அழகா அழகு ஓ देखिए அண்ணா ऐसे लिखेंगे क्या हां ब्यूटीफुल सुंदर नहीं है अच्छा तो हम लोग क्या बोलेंगे नल्ला इल्ला ये भी तो जानना है ना झूठ मूठ की तारीफ नहीं करनी है नल्ला इल्ला तो फिर हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं ये ड्रेस अच्छा नहीं है तो क्या बोल सकते हैं इन द ड्रेस नल्ला इल्ला ये ड्रेस अच्छा नहीं है इन द ड्रेस नल्ला इल्ला हेयर का मतलब ये साड़ी बहुत सुंदर है ये तो बहुत यूजफुल सेंटेंस रहा है ना फ्रेंड्स मजा आ रहा है ना लेकिन क्या है फ्रेंड्स यदि हम लोग एक ही दिन इतने सारे क्वेश्चंस को जान जाएंगे तो फिर मुश्किल होगा यहाँ संभाल के रखना तो अन्ना से हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि अन्ना कुछ क्वेश्चंस जो है ना हमें अगली बार बताइए तब तक हम लोग ये जो है ना दो तीन क्वेश्चंस जो हमें बताए अभी तक हम लोग उसको पहले रख लेते हैं फिर अगले क्लास में अन्ना से मिलते हैं ठीक है फ्रेंड्स अगले क्लास में फिर मिलते हैं तब तक के लिए बाय बाय